the secret of getting ahead is getting started. But family background sirf diamond pole keys and gold ka. Jab traditional business run karte hain to wo chahte hain unke bacche jo hain wo usi traditional business ko aake sambhale. So koi specific usme se jo ye sabse zyada sell hota hai ya demand mein zyada rehta hai aisa koi specific hai? Silver chain sir. GCEC is providing a very different course which is entrepreneurship honors. 0 se 10 tak ki A to Z cheeze padhayenge ki aap kaise start kar sakte hain, kahan register karna hai, digital marketing kya hoti hai, वेबसाइट बिल्डिंग कैसे होती है. As it is rightly been said, the secret of getting ahead is getting started. So welcome to GCEC podcast. My name is अंकुर धारवन और आज हमारे साथ हैं सम्यक जैन जो कि GCEC के एक स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ में अपना एक स्टार्टअप चला रहे हैं जिसका नाम है नवकार ज्वेल्स. अब ये स्टार्टअप जो है वो बेसिकली ज्वेलरी की बहुत बात करता है, ज्वेलरी स्पेसिफिकली सिल्वर ज्वेलरी. तो सबसे पहले मैं सम्यक का स्वागत करता हूँ. आई वेलकम यू सम्यक, वेलकम टू GCEC पॉडकास्ट. हेलो सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. सो सम्यक, इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि हाउ यू गेट दिस आइडिया अबाउट स्टार्टिंग दिस स्टार्टअप. और इस स्टार्टअप में जो आपका नाम है स्टार्टअप का नवकार ज्वेल्स, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है, तो मैं इसके इन दोनों चीजों के बारे में समझना चाहूंगा, जानना चाहूंगा. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द आइडिया. सो बिजनेस स्टार्ट करने का वो था कि फैमिली बैकग्राउंड ज्वेलरी बिजनेस का ही है, बट फैमिली बैकग्राउंड सिर्फ उसका है डायमंड पोल कीज एंड गोल्ड का. तो मेरे को करना ज्वेलरी में ही था बट थोड़ा डिफरेंट वे में करना था. तो मैंने सोचा सिल्वर में स्टार्ट करके देखते हैं. तो वहाँ से ये आइडिया आया मेरे को 11th क्लास में आइडिया आया था ड्यूरिंग लॉकडाउन कि हाँ अपन सिल्वर ज्वेलरी का काम स्टार्ट करते हैं. और सर जो रीज़न था नवकार चूज़ करने का, सर जैन में एक मंत्र होता है नवकार मंत्र, तो सर उसकी मेन लाइन में ही नवकार आता है. तो ये आइडिया मेरे को वहाँ से आया कि हाँ नवकार अपन ले सकते हैं इसका नाम. सो ये रीजन था नवकार ज्वेल्स चूज करने का. सो मतलब कुछ कुछ माइथोलॉजी से रिलेटेड हो गया है. हाँ 100% सर, जैन में होता है तो फिर मैंने कहा नहीं, वी कैन ट्राई दिस. दैट्स अ गुड थॉट प्रोसेस. इट इज वेरी रिलेटेबल आल्सो कि समथिंग रिलेटेड टू द ट्रेडिशनल थिंग्स, बिकॉज जब भी हम ज्वेलरी की बात करते हैं ना तो ज्वेलरी समथिंग वेरी ट्रेडिशनल. यस सर, जो कि हर घर में इंडियन ट्रेडिशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे शादी हो, फंक्शन हो, कोई भी इवेंट हो. एंड एज एन एसेसरीज ज्वेलरी इतनी ज्यादा यूज होती है, तो डेफिनेट दैट्स अ गुड मूव. बट अगर हम देखें थोड़ा सा, मतलब बैकग्राउंड में जाएं आपके, तो यू सेड कि आपका फैमिली बिजनेस है, तो थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताइए, मतलब किस तरीके का बिजनेस है जो फैमिली. तो सर जो फैमिली बिजनेस है वो बेसिकली मेरे पापा आगरा के हैं, वो जयपुर आके उन्होंने खुद ने स्टार्ट करा था ज्वेलरी का बिजनेस. तो ज्वेलरी के बिजनेस में मोस्टली हम जिस चीज़ में डील करते हैं वो है डायमंड्स, पोलकीज एंड गोल्ड. एंड बट वी मेक प्रॉपर फाइन ज्वेलरीज कंबाइनिंग ऑल दीज थ्री, बट वी ऑल्सो यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स ऑल्सो, बट मेन फोकस डायमंड, पोलकीज और गोल्ड में ही है. इसमें ही हम मेनली ज्वेलरीज बनाते हैं. राइट. बट सब एक मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसमें जनरली क्वेश्चन आता है जिनका भी ट्रेडिशनल बिजनेस होता है कि जो फैमिली होती है या फिर हमारे पेरेंट्स हैं वो जब ट्रेडिशनल बिजनेस रन करते हैं तो वो चाहते हैं उनके बच्चे जो हैं वो उसी ट्रेडिशनल बिजनेस को आके संभालें, उसको ही ग्रो करें. सो क्या आपकी फैमिली में भी ऐसा कुछ प्रेशर था कि नहीं तुम्हें फैमिली बिजनेस ही संभालना है, इसी को करना है, या फिर सपोर्ट मिला कि नहीं वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट यू जस्ट गो फॉर इट? जैसा कुछ फैमिलीज में होता है कि आपको यही काम करना है, कुछ फैमिलीज में नहीं होता, वो सबका अलग प्रोसेस होता है थिंकिंग का. कि मेरी फैमिली में ऐसा नहीं था, मेरी फैमिली में था कि आपको जो करना है वो करिए, बट टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका जो मन करे वो करिए. तो मेरे को ऐसा प्रेशर नहीं था कि हाँ मेरे को इसी वे में करना, बट मेरे को ये अच्छा लगा था इस वजह से मैं इसमें गया कि हाँ ये तो थोड़ी अच्छी चीज़ है, इसमें करना चाहिए. सिल्वर ज्वेलरी थोड़ी ऐसी ज्वेलरी होती है जो लोग डे टू डे में पहनते हैं, फैशनेबल होती है, ट्रेंडी होती है, इस वजह से मैं इस चीज़ में गया. ऐसा कोई मेरे पे प्रेशर नहीं था कि हाँ आपको फैमिली बिजनेस में ही आना है. और सर फैमिली बिजनेस से थोड़ा अलग ही है, ये सिल्वर में है तो अलग ही है. और मेरा ये भी मानना है कि शायद
सिल्वर और अगर गोल्ड को कंपेयर करें तो आई थिंक सिल्वर कहीं ना कहीं प्राइस कॉम्पिटेटिव होता है, 100% चीपर देन गोल्ड. सो सर पॉकेट फ्रेंडली ज्वेलरी होती है सिल्वर, सो इसलिए आप इसमें एंटर हुए. सो एनी स्पेसिफिकेशन और यूएसपी रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट्स? सो सर टिल नाउ लाइक 11 मंथ्स हो गए हैं इसको स्टार्ट करे, तो अभी तक मैंने जितनी ज्वेलरी बनाई है वो सब मोजोनाइट में बनवाई है. मोजोनाइट इज अ सिंथेटिक स्टोन विच इज वेरी सिमिलर टू डायमंड बट इट इज वेरी चीपर देन डायमंड. ओके ओके. सो मोजोनाइट जो डायमंड है इसमें क्या और भी स्टार्टअप्स हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं? सर थोड़े कम है बट हाँ ये धीरे धीरे ट्रेंड में आ रही है मोजोनाइट ज्वेलरी इंडिया में. अब ट्रेंड में इंडिया में बाहर काफी ट्रेंडी है शायद. बाहर सिल्वर बहुत ज्यादा ट्रेंडी है, सिल्वर की सारी टाइप्स की ज्वेलरी बहुत ज्यादा ट्रेंडी है. बाहर शायद गोल्ड का इतना नहीं, गोल्ड का नहीं है सर. गोल्ड का हर जगह सर हर डिमांड है बट हाँ बाहर बाहर के उसमें सिल्वर का ज्यादा है, गोल्ड का थोड़ा एज कम्पेयर टू. ओके. सो हम जब भी अपना प्रोडक्ट सोचते हैं बनाते हैं तो हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है कि उसको कैसे बनाना है, उसको कैसे डिजाइन करना है. आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है कि हमारे पास एक MVP होना चाहिए, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होना चाहिए या उसका प्रोटोटाइप होना चाहिए जिससे कि हम वैलिडेट कर पाए कि हम जो भी चीज बना रहे हैं वो अच्छा है और हमारे कंज्यूमर्स को पसंद आ रहा है. सो आपने अपना प्रोटोटाइप पहला क्या बनाया और जब आपने कस्टमर्स को सेल करा या फिर जो आपके पहले कस्टमर थे उनका फीडबैक क्या था? तो सर लाइक इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी डिज़ाइंस आती रहती हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहो आपको लाखों डिज़ाइंस मिल जाएगी. तो सर वहाँ से डिज़ाइंस के थॉट्स आए थे बट ऑफिस में कैड डिज़ाइनर है तो उससे भी डिज़ाइंस करवाई थी तो वहाँ से मैंने 2-3 रिंग्स बनवाई स्टार्टिंग की. फिर वहाँ से मेरे को ये लगा कि हाँ ये डिज़ाइन इसी चीज़ में और टाइप्स की डिज़ाइन, तो वो अगर आप एक टाइप की डिज़ाइन बनाते हो तो फिर आपको और ऑप्शन दिख जाते हैं उसी चीज़ में. right. तो वो चीज़ है. तो मतलब डिज़ाइनर वॉज इन हाउस डिज़ाइनर? यस सर. तो वही डिजाइन करते थे और आपके इनपुट्स रहते थे? हाँ इनपुट्स रहते थे 100%. ओके ओके. तो वैलिडेशन कब हुआ इसका, मतलब योर फर्स्ट कंज्यूमर और फर्स्ट कस्टमर? लाइक लास्ट ईयर इट वाज इन जुलाई. ओके. लास्ट ईयर जुलाई 2023. एंड व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? लाइक इट वाज फैबुलस एक्सपीरियंस. वो थोड़ा अलग फील था सर कि फर्स्ट आप अगर कोई भी काम स्टार्ट करो तो उसकी फर्स्ट इनकम या जो भी आपने जो प्रोडक्ट सेल करा, इनकम तो बाद में आती है जो आपने प्रोडक्ट सेल करा है किसी को. और सर वो जो जिसको सेल करा था वो रिलेटिव ही थे ऑब्वियसली सर, रिलेटिव सबसे फैमिली पहले ही आती है तो बिल्कुल वो थोड़ा अलग था. हम कोई प्रोडक्ट्स को सबसे पहले वैलिडेट या वो हम वो एज अ कस्टमर सेल कर रहा था, रिलेटिव सेल नहीं कर रहा. गॉट इट. बट वही है, जनरली हम जब भी कोई भी अपना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप बनाते हैं तो टेस्टिफाई करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स हमारे पास 100% सर. वो आपको 100% फीडबैक देंगे कि चीज अच्छी है या खराब है, तो वो सर वो बहुत फायदेमंद होती है किसी भी कंपनी के लिए, उसके प्रोडक्ट के लिए या उसकी सर्विसेज के. अच्छा, फीडबैक भी जब हम बात करते हैं तो फीडबैक जनरली पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव्स भी होते हैं. सो डेफिनेटली कि आपका प्रोडक्ट नया था तो आपको नेगेटिव फीडबैक भी काफी मिलेंगे और आपने उन पे कैसे वर्क किया और कैसे इम्प्रूव किया? सर जो नेगेटिव चीजें आई कि इसमें क्या कमी है, लाइक शाइन कम है, तो फिर हमने उस चीज पे और अच्छा वर्क करा कि ये चीज पे क्यों इशू आ रहा है. फिर हमने उस चीज को वापस असेंबल करा कि एक बार वापस चेक कर, फिर हमने उसको वापस लॉन्च करा था. नाइस. अच्छा, जैसे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग होगी आपके पास कि मेरे पास 10 प्रोडक्ट हैं, 20 प्रोडक्ट हैं, 25 प्रोडक्ट्स हैं. सो कोई स्पेसिफिक उसमें से जो ये सबसे ज्यादा सेल होता है या डिमांड में ज्यादा रहता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक है? सिल्वर चेन सर, प्लेन सिल्वर चेन. अच्छा, वो सबसे ज्यादा डिमांड. यस सर, सिल्वर चेन, रिंग्स सबसे ज्यादा डिमांड में रहती हैं. ओके. तो कोई स्पेसिफिक रीजन कि ये चेन या रिंग्स ज्यादा डिमांड? सर रिंग्स मोस्टली, रिंग्स आई हैव सेल्ड, लाइक मैंने जिनको सेल करी है रिंग्स वो सब वेमेन्स ही हैं. फीमेल रिंग्स ही मैंने सेल करी है और चेन मैंने सबसे ज्यादा मेन्स में सेल करी है. तो चेन मेन्स में ज्यादा चलती है एंड रिंग्स इज मेजरली यस सर. राइट, वेरी नाइस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच इज रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट को लेकर हमारा एक विजन होता है कि इस प्रोडक्ट को मुझे एक स्टेज पे लेके जाना है, मैं चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से देखना, इस तरीके की स्केलेबिलिटी या फिर इस तरीके से लोग जाने या पहचाने, तो वो मैं विजन समझना चाहता हूँ. सर
इस चीज को लेके सर मतलब अभी तो कुछ कह नहीं सकता, मतलब अभी तो सीख रहा हूँ मैं भी खुद कि कैसे करते हैं, बट हाँ जितना मैंने अभी सीखा है कि हाँ मैं जो जिस चीज में मैं बना रहा हूँ मोजोनाइट में, वो अभी मेरी वो यूएसपी है कि हाँ मेरे को इस चीज में ही बनाना है, तो लोगों को यही पता है कि अगर मोजोनाइट में किसी से लेना है तो हाँ आप यहाँ रेफर कर सकते हैं, तो वो चीज है। चलिए अच्छा है, मुझे भी मोजोनाइट लेना होगा तो मैं 100% चलिए ग्रेट। सो समय विजन डेफिनेटली होना बहुत जरूरी है, और एज इट इज वेरी अर्ली स्टेज टू योर बिजनेस, तो यू वुड बी प्लानिंग लॉट ऑफ थिंग्स, आगे जाके डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं आप इसमें, और बहुत सारी वैरायटीज ऐड कर सकते हैं। सो मेरा ये जानना है कि आप अपने आप को इस ज्वेलरी बिजनेस में, स्पेसिफिकली दी सिल्वर ज्वेलरी बिजनेस में, अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि इसका आने वाला मार्केट कितना बड़ा है, अगर आप कुछ इनसाइट दे सके। सर 5 साल थोड़ा लंबा टाइम तो है, बट हाँ टाइम बहुत जल्दी जाता है, पता नहीं चलता। तो सर जो सिल्वर का मार्केट है आगे, वो थोड़ा अच्छा है, लाइक फैशनेबल, लाइक आजकल ट्रेंडी चीजें ज्यादा चल रही है, जेंजीज और वो सब, तो वो सब चीजें सिल्वर में ही चल रही है, गोल्ड में ये कोई लेता नहीं है, तो ये चीज का है मार्केट आगे अच्छा, मतलब जेंजी डोमिनेट करेंगे सिल्वर ज्वेलरी मार्केट है मोस्टली सर, मोस्टली हो भी रहा है सर अभी, फैशन ट्रेंड, बहुत सारी सिल्वर ज्वेलरी ऑनलाइन बेच रहे हैं, मेरा भी यही मोटिव है कि ऑनलाइन अच्छा सेल हो, इंटरनेशनली इसको सेल करें। मतलब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, समय आए वॉन्ट टू नो, क्योंकि कॉलेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जब भी आप कोई कोर्स चूज करने जाते हैं तो कॉलेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हम जनरली वही कॉलेज चूज करते हैं जो हमारे करियर ऑब्जेक्टिव से कहीं ना कहीं अलाइन हो। तो आपने GCEC क्यों चूज किया, और आपके बिजनेस में GCEC ने आपको कैसे हेल्प किया? सो स्मॉल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट ऑल्सो आई वॉन्ट टू। सर द मेन रीजन, GCEC इज प्रोवाइडिंग अ वेरी डिफरेंट कोर्स विच इज एंटरप्रेन्योरशिप ऑनर्स, लाइक कहीं भी नहीं है ये वाला कोर्स पूरे राजस्थान में, या बहुत कम जगह है जहाँ भी है, बट हाँ जयपुर में ही रहते हो और जयपुर में ही करना है, बाहर से भी बहुत सारे बच्चे आए हैं पढ़ने ये कोर्स के लिए, तो कुछ तो डिफरेंट है ही कॉलेज में। और सर जो फ़ायदा मेरे को इस कॉलेज में आने से मिला मेरे बिजनेस के लिए, वो था सर आपको 0 से 10 तक की A to Z चीज़ें पढ़ाएंगे, कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ रजिस्टर करना है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, वेबसाइट बिल्डिंग कैसे होती है, सब चीज़ें सर A to Z एक एक चीज़ पे हमारे को ध्यान दे के सिखाया गया। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे सिर्फ वेबसाइट बिल्डिंग पे ध्यान दिया था, हमारे एग्जाम उसी बेसिस पे हुए थे, हमारे असाइनमेंट्स उसी बेसिस पे आते थे। सेकंड सेमेस्टर सर कोर मार्केटिंग था, कि उसकी थ्योरी क्या होती है मार्केटिंग की, वो भी ज़रूरी होती है कि आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो, वो सब चीज़ था। आइडिएशन टू बिजनेस हो गया, कि BMC क्या होता है और वो सब क्या होता है, BCG मैट्रिक्स, और ये सब भी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और सर फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग, जैसे बाहर कहीं भी सिखाएंगे तो 6 महीने में आपको थ्योरी पढ़ा के छोड़ देंगे, यहाँ पे आपको पूरे पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल की नॉलेज दी जाती है, एक एक चीज़ प्रैक्टिकली कराई जाती है, तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ भी यहाँ प्रोवाइड हो रही है। और 2 सालों में इस चीज़ ने मेरे बिजनेस, मतलब यही कारण है कि मेरा बिजनेस स्टार्ट हो पाया है, इतना सब मैं कर पाया। राइट, सो बेसिकली मतलब अगर मैं इसको थोड़ा प्रिसाइज वे में कहूँ तो इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि आपने एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन देखा जहाँ पर प्रैक्टिकली चीज़ों को, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को, मतलब प्रैक्टिकली उन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ाया गया, समझाया गया, और इन्हीं कॉन्सेप्ट को आप अपने बिजनेस पे है ना रेगुलर इंटरवल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम आप उसे अप्लाई कर रहे हैं, और इसलिए वो धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है। जी सर, हम डेफिनेटली सो डिफरेंसेस की डेफिनेटली प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप वो सीखते हैं तो आप अपने बिजनेस में इजीली उसको अलाइन कर पाते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड इनसाइट सम्यक। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट? सो डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि आपकी फैमिली आपको बहुत बैक करती है इस चीज़ के लिए, आपके फादर बहुत सपोर्ट करते हैं, सो आपका अभी क्या स्टेटस है? आर यू लाइक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी, एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है, और अगर ये बूटस्ट्रैप है तो आगे जाके क्या फंडिंग को लेकर क्या विजन है, क्या फंड्स आप उठाना चाहेंगे, इसको बूटस्ट्रैप ही रखना चाहेंगे, और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी थोड़ा सा? सर अभी के लिए तो जैसे अभी इनिशियल स्टेजेस पे ही है बिजनेस, तो अभी के लिए तो खुद ही लगाओ, खुद ही कमाओ, वो वाली चीज़ है। बट सर डेफिनेटली अगर मेरे को इसको बड़े लेवल पे लेके जाना है तो फिर आपको फंडिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको और इधर कल अलग जगह से पैसे भी लेने पड़ेंगे, वो चीज़ सर
जेन्युइन है कि हाँ पैसे लोगे तभी, क्योंकि कॉस्टिंग, लेबर और रॉ मटेरियल सब चीजों के ही पैसे लगते हैं, तो अगर आपको बड़े स्केल पे करना है तो वो सब चीजों के लिए आपको फंडिंग तो 100% चाहिए। राइट राइट, डेफिनेटली फंड्स तो हमें हर जगह चाहिए। देखिए सबकी लाइफ में ना इंस्पिरेशन, हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि देर आर सम पीपल जो हमें इंस्पायर करें या हमें किसी ना किसी से इंस्पिरेशन मिलती रहती है। तो मैं जानना चाहूंगा कि समय हु इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन योर लाइफ फर्स्ट थिंग, और वो आपके लिए इंस्पिरेशन क्यों है, और आपको ये बताना है ऑडियंस को कि आप इंस्पायर कैसे हो सकते हैं किसी से। तो पहले तो आपकी इंस्पिरेशन की जर्नी जानने की कोशिश करते हैं। सो मेरे को जिनसे इंस्पिरेशन मिली है वो है मेरे फादर, उनका सपोर्ट थ्रू आउट मिलता रहता है कि हमेशा सपोर्ट रहेगा, तू कर, तेरे को जो करना है हम है तेरे साथ। फादर तो है ही बट सबका सपोर्ट है, लेकिन फादर तो मेन सपोर्टिव सपोर्टर है मेरे। लाइक कि आपकी इंस्पिरेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है कि द हार्ड वर्क दे आर डूइंग, कि वो बिजनेस के या अपने काम के लिए कितने ज़्यादा फोकस्ड हैं, वो सब चीज़ें हो गई सर। तो बहुत सारी चीज़ें होती है सीखने के लिए, मैंने मेरे फादर से बहुत सारी चीज़ें सीखी है इसी फील्ड से रिलेटेड, और भी चीज़ें सीखी है बट हाँ पर्टिकुलरली ज्वेलरी के बिजनेस के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैंने। अच्छा बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, तो मेरा एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके हिसाब से कौन सी दो या तीन चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आप अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हैं या स्केल अप करना चाहते हैं। तो सर दो तीन चीजें हैं, एक तो कंसिस्टेंसी टूवर्ड्स योर वर्क या जो भी स्टार्टअप है बिजनेस है उसके लिए डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर आपका होता है एक प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहना, जितना आप प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहेंगे आप जितना उस प्रोडक्ट पे ध्यान देते रहेंगे वो और इम्प्रूव होता जाएगा और उसकी सेल्स बढ़ती रहेगी। तो वो चीज़ हाँ, तो वो कहा जाता है ना कि प्रोडक्ट तो हीरो है, लेकिन सिर्फ हीरो से काम नहीं चलेगा, एक अच्छी स्टोरी भी होनी चाहिए, एक अच्छा प्रोडक्शन भी होना चाहिए, एक अच्छा डायरेक्शन भी होना चाहिए, तभी आपकी फिल्म हिट होगी। सो इट इज समवॉट सिमिलर टू दैट, तो बहुत अच्छी एनालॉजी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्रेट, फाइनली एनीथिंग, एनी विजन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें रह गया, मुझे जानना था कि आप सेल्स और मार्केटिंग कैसे करते हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस। सर अभी के लिए तो मैं टोटली ऑनलाइन ही कर रहा हूँ, और ऑफलाइन भी है बट जो मेन फोकस है वो ऑनलाइन के लिए है। तो ऑनलाइन के लिए सोशल मीडिया इज द बेस्ट वे टू मार्केट योर प्रोडक्ट। तो सर थ्रू इंस्टाग्राम बाय लाइक सर ज्वेलरी फील्ड में सबसे ज़्यादा जरूरी होती है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट कब आएगा कि आप कोई चीज़ पोस्ट कर रहे हो उस चीज़ की फोटोग्राफी, तो सर प्रोफेशनल फोटोग्राफी करवानी पड़ती है और फिर उसको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में डालना पड़ता है, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, हर दो तीन दिन में आप पोस्ट डाल रहे हैं या कोई ना कोई कंटेंट पोस्ट करते रहना चाहिए। तो उस चीज़ से क्या है आदमी का ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ फेक नहीं है, कि रेगुलर इंटरवल में डाल रहा है कोई ना कोई चीज़ें पोस्ट कर रहा है। तो वहाँ से फिर एड रन कर सकते हैं, आप रील्स डालिए, रील्स की रीच कैसे बढ़ सकती है, बूस्ट पोस्ट हो गई सर, वो सब चीजें। आई अग्री कि क्रेडिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, और क्रेडिबिलिटी तभी बनेगी जब आप कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली किसी चीज को कर रहे हैं। तो ग्रेट, बड़ा अच्छा लगा ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्जेशन, आई अंडरस्टूड योर इनसाइट ऑल्सो, एंड थैंक यू सो मच समयक फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। आई सी दैट डेफिनेटली गोइंग टू डू वंडर्स इन योर लाइफ। All the best for your business, for your startup, and thank you so much for coming. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.